हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। क्या कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि मेल ज़्यादातर गंजेपन का शिकार होते हैं, जबकि फीमेल्स में ना के बराबर गंजापन देखने को मिलता है। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर ही देख लीजिए, इन जनाब को देखिए, इनको देखिए, इनको देखिए, इनको देखिए, लेकिन इन मोहतरमा को देखिए, ये गंजेपन का शिकार नहीं है। तो ऐसा होता क्यों है? गंजेपन के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, उस जीन का नाम होता है बाल्डनेस जीन। ये जो बाल्डनेस का जीन होता है वो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड होता है। सेक्स इन्फ्लुएंस से मतलब क्या है कि ये जो बाल्डनेस का जीन है मेल और फीमेल दोनों में पाया जाएगा, लेकिन मेल के अंदर ये ज्यादा एक्सप्रेस करता है खुद को, जबकि फीमेल के अंदर ये खुद को कम एक्सप्रेस करता है। अब बाल्डनेस का जीन ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे का हम तथ्य जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बाल्डनेस का जीन है वो एक हार्मोन पर डिपेंड करता है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि मेल में टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता है, जबकि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कंसंट्रेशन कम होता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, बाल्डनेस के जीन को एक्सप्रेशन करने में हेल्प करता है। इसी के पीछे का और एक रीजन आइए समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो अगर आप देख पाएंगे, ये जो हमारा स्किन है, जैसे यहाँ ये जो हमारा स्किन है इसमें भी हेयर्स होते हैं, यहाँ हमारा हेयर निकल रहा है तो यहाँ पास भी स्किन है, तो इस स्किन में हेयर पोर्स होते हैं। उस हेयर पोर्स की सहायता से हेयर्स बाहर निकलते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जब टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन मेल में ज्यादा होता है तो वो टेस्टोस्टेरोन करता क्या है, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस हेयर पोर्स को देख पाएंगे, तो जैसा कि आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे कि ये एक हेयर पोर हो गया, ये हेयर पोर हो गया, तो ये सारे के सारे हेयर पोर्स हैं, ठीक है। तो इसी को मैं थोड़ा जूम करता हूँ और आपको फिर वो ऐसा दिखाई देगा। यही जो हमारा स्किन है उस स्किन को मैंने यहाँ जूम कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे तो ये क्या है, एक हेयर पोर है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहीं से हेयर बाहर निकलता है और ग्रोथ करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेयर पोर कहते हैं। इस तरीके से वो हेयर वहां से बाहर निकल रहा है, आप देख पा रहे हैं। और जैसे ही हेयर पोर वहां से बाहर निकलता है तो उसकी ग्रोथ दिखाई देती है हमें। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जो टेस्टोस्टेरोन होता है जिसका कंसंट्रेशन मेल में ज्यादा है वो इस हेयर पोर को क्या करता है, क्लोज कर देता है। और अगर ये हेयर पोर क्लोज हो जाएंगे तो वहां पास से हेयर बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन कम होता है और वो खुद हेयर पोर को क्लोज बहुत रेयरली करता है फीमेल्स के अंदर, लेकिन मेल्स के अंदर ये बहुत ज्यादा करता है। तो उससे क्या होगा, अगर हेयर पोर क्लोज हो जाएगा तो हेयर की ग्रोथ ही नहीं होगी, हेयर वहां से बाहर ही नहीं निकलेंगे, और इस वजह से मेल ज्यादातर गंजेपन का शिकार होते हैं। और इस तरीके से फिर आप देख पा रहे हैं कि इन जनाब को मतलब बाल ही नहीं है, मतलब इनका पूरा स्किन का जो हेयर पोर्स है वो उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और हेयर वहां से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से मेल के अंदर ज्यादातर गंजापन देखने को मिलता है, जबकि फीमेल के अंदर ना के बराबर देखने को मिलता है। होती जरूर है लेकिन वो अलग कंडीशन में होती हैं, उसके बारे में हम बाद में समझेंगे। अगर आप देख पा रहे हैं, फीमेल भी होते हैं गंजेपन का शिकार होती हैं ये भी, लेकिन बहुत कम होती हैं। इसमें क्या होता है कि जब वो हार्मोन का कंसंट्रेशन अपने आप को एक्सप्रेस कराता है तो उसके लिए अलग कंडीशन चाहिए होती है, जिसमें जीन होमोजाइगस कंडीशन में होने चाहिए, वो भी डोमिनेंट फॉर्म में, तब ये हो पाता है, ठीक है। तो उसी के ऊपर एक शायरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग शायरी है, अर्ज किया है, आप सुनिएगा जरा। अगर हो जाए जब सच्ची मोहब्बत तो, अगर जब हो जाए सच्ची मोहब्बत तो सब कुछ बदला अच्छा लगता है। अगर हो जाए जब सच्ची मोहब्बत तो सब कुछ बदला हुआ अच्छा लगता है।
महबूब के अगर बाल भी झड़ जाएं तो वो टकला भी बहुत अच्छा लगता है, और टकला क्यों होता है इसका रीजन भी मैंने बता दिया है। सो कैसा लगा दोस्तों, जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। इसी तरीके की हम फैक्ट वाली बातें जरूर लेके आते रहेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।